कक्षा पंचम विषय हिंदी पाठ सात रानी चेन्नम्मा। भैया बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और अनोखी यानी कि वीरता की और शौर्यता की अच्छी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और अपने अंदर भी इस प्रकार के शौर्य और वीरता के गुण अपने अंदर लाएंगे। इस कहानी से हमें ये तो चलो कहानी की जो शिक्षा है वो आपको बाद में बताऊंगा क्या कहानी से शिक्षा मिलती है। कर्नाटक राज्य की एक छोटी सी रियासत थी, उसका नाम था कित्थूर। कित्थूर जो है वहाँ का जो राजा था उसका राजा का नाम था मलसर्ज मलसर्ज और उसकी रानी का नाम चेन्नम्मा था। चेन्नम्मा का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि रानी जो थी बहुत सुंदर थी। असुंदरता के साथ उसमें अनेक गुण भी थे, वह साहसी थी और राजनीतिक गुण भी बहुत थे। ऐसी धीरे धीरे वो जो है जब वो बड़ी हो रही थी तो उसमें विभिन्न प्रकार के और भी गुण आने लगे। यानी कि रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1878 ईस्वी के वेलगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। चेन्नम्मा के पिता काकती समुदाय के मुखिया थे। ये बच्ची जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो गांव वहाँ जो एक गांव था यानी कि जिस गांव में ये पैदा हुई थी उस गांव का नाम था वेलगांव। वेलगांव में जो है एक नरभक्षी वाघ का जो है आतंक फैला हुआ था। चारों तरफ डर ही डर था। वहाँ के लोग इतने भयभीत थे कि घर से निकलना जो है वह नहीं चाहते थे, डरते थे। जब चेन्नम्मा को पता चला तो वह तीर कमान लेकर वो जंगल में चली गई। उसने जो है देखा और वो जैसे जंगल में जा रही थी उसकी अचानक नज़र जो है उस बाघ पर पड़ी। उसने एक पत्थर उठाया और बाघ पर जो है मारा। वो उसके पास जाकर गिरा और उसने जो है उसको जब बाघ ने जो है पीछे मुड़कर देखा तो रानी चेन्नम्मा जो थी पहले से ही तैयार थी। अब गुस्से से जो है उसे बहुत गुस्सा आया, शेर को मतलब बाघ को जो है बहुत गुस्सा आया और उसने जो है रानी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसने अटैक किया, रानी पहले से ही तैयार थी, उसने बाणों की इतनी तेज बौछार की कि वो उसके गले में लग गए और वो जो है बाघ वहीं पर धराशायी हो गया। इस बात की चर्चा सारे समाज में फैल गई, आसपास के गाँवों में फैल गई। रानी चेन्नम्मा का नाम पीड़िता के रूप में जो है चारों तरफ फैल गया। इस बात की जानकारी जो है जब राजा मरसज को पता चली तो उन्होंने जो है वह वहाँ के जो मुखिया थे काकती समाज के उनके पास गए और उन्होंने चेन्नम्मा का हाथ मांगा। उन्होंने सहर्ष अपनी प्रिय पुत्री चेन्नम्मा का हाथ उनके हाथ में दे दिया। रानी चेन्नम्मा वीरता के साथ साथ सुंदरता के साथ साथ उसके अंदर राजनीतिक गुण भी थे। उनका जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद रानी के रूप में जब वो उनके यहाँ पहुँची तो उन्होंने जो है राजा की बहुत सहायता की। राजा मरसज जो थे वो उनके व्यवहार और उनकी कुशलता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और जब भी वो अपनी सभा में बैठते तो उनसे जो है वो परामर्श लिया करते थे। जब परामर्श लेते थे तो उन्होंने कोशिश ये की कि हाँ इसे भी मैं अपने समान ही बनाऊंगा, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थे और धीरे धीरे जो है जब समय इसमें लगाने लगे तो उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जब स्वास्थ्य खराब होते होते रानी ने जो है उनकी बहुत सेवा की और कुरूर काल के हाथ वो बच ना सके, एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा
उनकी मृत्यु के पश्चात बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने वो वीर महिला थी, वीरांगना थी, उसने साहस नहीं तोड़ा। तिथुर के राज्य को उसने भली प्रकार संभाला। आगे जाकर जो अंग्रेज सरकार थी वो ये नहीं चाहती थी कि तिथुर जो है अंग्रेज शासन के विरुद्ध मतलब शासन के से अलग रहे। कोई अंग्रेज ये चाहते थे कि वो अपने ही उसमें समा जाए, मतलब यानी कि वो एकाकचित हो जाए, यह सोचकर वो उन्होंने जो है उस पर आक्रमण किया। लेकिन रानी चैनमा ने अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर उसका सामना किया, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसके बाद क्या होता है कि कलेक्टर थेकरे ने जो है 23 दिसंबर 1824 को तिथुर पर आक्रमण किया। उसे ये था कि अंग्रेज की विशाल सेना को देखकर तिथुर की जो सेना है वो घबरा जाएगी और वो जो है डर के कारण वो जो दरवाज़ा खोल देगी। लेकिन तिथुर के जो सैनिक थे, वीर थे, उनका एक एक सैनिक उनके 10 सैनिकों के बराबर था। उन्होंने जैसे ही वो दरबार खुला, गेट को खोला गया, जैसे गेट खुला तो जो उनका खून था, खून की लहर दौड़ पड़ी और गुस्से में जो है वो सैनिक थे वो एकदम अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़े। उन्होंने जो है बहुत तकड़ा सामना किया और उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक सैनिक था सी छप्पा, यानी सरदार, उनका सरदार था सी छप्पा। सी छप्पा ने जो है बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, इसमें अंग्रेजों की हार हुई और उसके बाद फिर लेकिन कलेक्टर थेकरे जो था फिर भी हार नहीं माना। वो यही चाहता था कि ये अंग्रेजों के अधीन रहे। लेकिन तिथुर की जो रानी थी वो बहुत बहादुर थी, वो किसी भी कीमत पर तिथुर को अंग्रेजों के शासन में नहीं मिलाना चाहती थी। थेकरे ने जो है दोबारा से फिर आक्रमण किया, लेकिन उसमें जो है रानी चैनम्मा ने जो है बढ़ चढ़कर अपने सैनिकों के साथ भाग लिया और अंग्रेज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। उनमें से एक सैनिक था, वो था सी छप्पा। उसने जो है उसका एक तीर राजा वाला कलेक्टर थेकरे के गर्दन में जाकर लगा और राणा वो जो था कलेक्टर थेकरे वहीं पर पट हो गया। इस प्रकार एक वीर नारी की वीरता को देखकर जो है वहाँ के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे अंदर साहस है, वीरता है, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान कर सकते हैं। इसके बाद ये इसके शब्दार्थ हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। रियासत एक छोटा सा राज्य, नरभक्षी मनुष्य को खाने वाला, ढेला यानी ढेला कहते हैं एक छोटा पत्थर, फुर्ती चुस्ती, ख्याति प्रसिद्धि, परामर्श सलाह, अस्वस्थ कहते हैं बीमार, सचेत सावधान,
और बंदी गृह कहते हैं जेल खाना, यानी कि जेल। अतिथि मेहमान, अद्भुत आश्चर्यचकित, दुर्ग किला, लहू कहते हैं खून को, शौर्य वीरता, मंतव्य विचार, ये शब्दार्थ हुए। अब मैं आपको इसका जो शेष काम है वो पीडीएफ के माध्यम से भिजवा दूंगा।